अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। वक्त जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका टोटल मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। लेकिन इससे भी पहले हम ये जो सिस्टम की बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये कौन सा सिस्टम है डियर स्टूडेंट? अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको डिफाइन करेंगे सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स act on it। तो ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे वो हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो, उस बॉडी पर एक्ट ना करे, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, हम ये सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर, एक कंटेनर में मौजूद जो गैस मॉलिक्यूल्स है। अब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में तो कोलाइड कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन गैस कंटेनर के अंदर ये एक दूसरे पर तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इन मॉलिक्यूल्स पर कोई भी एक्ट नहीं करती, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो, अगर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर या सिस्टम ऑफ बॉडीज, बहुत सारी बॉडीज हैं, ये पूरा एक सिस्टम है, तो उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो फिर हमारे पास टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा, तो हमारे पास इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम होगा। अब इसी तरह से हम कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास टू बॉल्स हैं, तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो हमने टू बॉल्स कंसिडर कर ली हैं, एक हमारे पास ये बॉल है और दूसरी हमारे पास ये बॉल है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो ये टू बॉल्स है और बोथ बॉल्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये एक स्मूथ सरफेस पर नॉन रोटेटिंग नॉन इंट्रैक्टिंग बॉडीज बॉल्स हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कह दिया v1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास है v2, लेकिन m1 की जो वेलोसिटी है ये m2 की वेलोसिटी से ज्यादा है। सो हम एक काम करते हैं, इनका मोमेंटम निकालते हैं, m1 का अलग, m2 का अलग। सो डियर स्टूडेंट, m1 का जो मोमेंटम आपके पास बनेगा वो बनेगा m1v1, m2 का जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा m2v2। अब क्योंकि m1 की वेलोसिटी m2 से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा कि m1 जो है ये m2 तक अप्रोच करेगा, m1 फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो m1 इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और m2 रिएक्शन की रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी। मतलब कि अगर m1 F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये एक्शन फोर्स है, तो M2 रिएक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट एक्ट करेगा। अब आफ्टर कूलियम क्या होगा? कूलियम के बाद हमारे पास यही दो बॉल्स जो हैं ये दोबारा से सेपरेट होंगी, अब इस मास M1 और M2। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास M2 M1 पर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है तो M1 की वेलोसिटी कम हो जाती है, जब m1 m2 पर एक्शन करता है तो m2 की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी उसी तरह से ये मूव कर रहे हैं, अगर m1 की फाइनल वेलोसिटी कुलियन के बाद v1 डैश है, m2 की वेलोसिटी कुलियन के बाद v2 डैश है, तो m1 का जो मोमेंटम होगा m1 v1 डैश और इस m2 का जो मोमेंटम होगा वो होगा आपके पास m2 v2 डैश। सो डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास m1 और m2 का मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ये जो स्टेटमेंट थी ये थी हमारे पास बिफोर कुलियन। अभी दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोलाइड नहीं हुई, यहां पर इनकी कुलियन हुई, एक्शन रिएक्शन हुआ
और या ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारे पास आफ्टर कोलिजन। सो टकराने के बाद अब हमारे पास v1 m1 की जो वेलोसिटी है ये m2 की वेलोसिटी से अब कम है या m2 की वेलोसिटी m1 से ज्यादा है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस m1 का मोमेंटम निकालते हैं तो m1 का इनिशियल मोमेंटम है m1 v1 और इसी तरह से फाइनल मोमेंटम है m1 v1 डैश, m2 का इनिशियल मोमेंटम m2 v2 और m2 का फाइनल मोमेंटम m2 v2 डैश। सो डियर स्टूडेंट, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारे पास फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो हमने तो फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, ये होगा आपके पास f क्रॉस t के इक्वल। सो इसका मतलब ये हुआ कि f क्रॉस t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम बात करते हैं फोर बॉल m1, अगर हम m1 की बात करते हैं तो यही आपके पास जो f क्रॉस t जो चेंज इन मोमेंटम है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1। ये आपके पास क्या है m1 v1 डैश, ये है फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉल m1, ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल m1 बिफोर कोलिजन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट फोर बॉल m2 ये आपके पास हो जाएगा f क्रॉस t, लेकिन अब ये रिएक्शन फोर्स है क्योंकि m2 जो है ये m1 पर रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन फोर्स हो गई। और ये भी आपके पास चेंज इन मोमेंटम, तो ये किसकी इक्वल होगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2। सो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है वो कौन सा है, वो तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा, तो अब हम टोटल मोमेंटम लेते हैं। सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करेंगे, एफ क्रॉस टी प्लस एफ डैश क्रॉस टी दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा एम वन बी वन डैश माइनस एम वन बी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। अब डियर स्टूडेंट यहां पे देखें कि अगर एम वन का एफ एक्शन फोर्स है और एफ डैश जो है ये रिएक्शन फोर्स है, इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन और एक्शन आपस में इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जहां एफ डैश है वहां पर हम लिखेंगे माइनस एफ, तो एफ माइनस एफ डैश टी यहां से हम ले लेते हैं कॉमन, इधर आपके पास एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। सो डियर स्टूडेंट एफ माइनस एफ डैश सॉरी यहां पर हमने एफ प्लस एफ डैश लिखना था और एफ डैश दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, तो माइनस एफ के इक्वल है एफ माइनस एफ, ये हो जाएगा आपके पास जीरो जीरो इंटू टी दैट इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। ये डियर स्टूडेंट आपके पास जीरो हो जाएगा, जब ये आपके पास जीरो होगा तो हम इसको इस इधर से जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो इधर आपके पास एक आएगा एम वन वी वन और दूसरा आएगा एम टू वी टू और दूसरी साइड पर आपके पास क्या है एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश। स्टूडेंट ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन, ये दोनों बॉल्स का मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास टोटल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, तो ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुरू में हमने स्टेटमेंट दी थी कि दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम और दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम जो है ये आपस में इक्वल है, सो इसका मतलब अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल मोमेंटम वहां पर कंजर्व रहेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर हम यहां पर टोटल मोमेंटम, अब आपके पास कांस्टेंट है सो टोटल मोमेंटम दैट रिमेंस कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहां पर आ जाए टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, टोटल मोमेंटम में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमारे पास जीरो होगा।
डियर स्टूडेंट, ये था लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम, इंपल्स, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे जो एमडी कैट, इसी तरह से ई कैट, पीपीएससी, एफपीएससी के टेस्ट में आ चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।